नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखना है तो फिर आपको सिस्टम को साइट करना होगा और वाइट बोर्ड और कॉपी पे आना होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के हेल्प से लॉजिक डेवलप होता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए, सी इज़ ए मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये हुआ कि सी अगर आपका अच्छा हो गया, सी के माध्यम से अगर आप लॉजिक अपना प्रोग्रामिंग का डेवलप कर लिए, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सी का प्रोग्राम सिस्टम में टाइप करके रन करा लेना वो बड़ी बात नहीं है, सी का प्रोग्राम अपना दिमाग में, अपना ब्रेन में रन कराना वो बड़ी बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि सी जो हम बताने जा रहे हैं वो हम ड्राई रन के साथ बताएंगे। ड्राई रन कहने का मतलब हुआ कि जो जो प्रोग्राम आप बनाए वो सिस्टम कैसे उसको रीड करता है, रीड करने के बाद कैसे उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद फाइनली कैसे उसको आउटपुट देता है, वो प्रोसेस आपको ब्रेन में करना है। तो ब्रेन में कैसे होगा, वो ड्राई रन के हेल्प से होगा। यहाँ पे हम एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट दे रहे हैं, ड्राई रन का कंसेप्ट। ड्राई रन थोड़ा मेहनत लगता है करने में, थोड़ा टीचर को भी मेहनत लगता है और स्टूडेंट को भी, लेकिन अगर ये कर लिए तो फिर आपको प्रोग्रामिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखिएगा, कहीं भी कंपनी वगैरह में इंटरव्यू देने जाइएगा तो फिर आपको वहाँ पे आउटपुट पूछा जाता है, ये प्रोग्रामिंग का आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट आप प्रोग्रामिंग का ड्राई रन के हेल्प से ही निकाल सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। ध्यान से हर एक लेक्चर मेरा देखिएगा। सबसे पहला प्रोग्राम हम दो नंबर का सम से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हेडर फाइल, प्रीडिफाइन फंक्शन, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स वगैरह वगैरह का हम लोग डिस्कस किए। आज हम वो सारे का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब पिछले क्लास में हम जो भी कुछ बताए हैं वो सारा चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा, तो ही प्रोग्राम बनेगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का 4-5 क्लास आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन यही 4-5 क्लास अगर आप मेहनत से समझ के उसको बना लीजिएगा तो आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप अपना करियर सॉफ्टवेयर में भी बनाना चाहते हैं तो फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग सी का कंसेप्ट नहीं है तो सी प्लस प्लस, जावा, डेवलपमेंट कहीं भी चल जाइए, आपको हर समय प्रॉब्लम आएगा और दिमाग में ये एक रहेगा कि हम सी प्रोग्रामिंग अच्छा से क्यों नहीं पढ़े। इसीलिए आज हम व्हाइट बोर्ड पे आए हैं आपको प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देने के लिए। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर एंड प्रिंट सम। दो इंटीजर नंबर के लिए दो हम लोग को वेरिएबल लेना होगा। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वॉइड मैन। दो नंबर इंट ए और बी दो वेरिएबल ले लिए। प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, स्कैन एफ परसेंडी, परसेंडी एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, यहाँ पे दो नंबर चला गया। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी और फिर परसेंडी सी गेट सी एच, ये क्लोजिंग हो गया। यहाँ पे न्यू वेरिएबल क्या आया, सी। सी को यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे और प्रोग्राम के एंड में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, क्योंकि हम लोग पहले से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कितना वेरिएबल का यूज होगा। यहाँ पे जब हम लोग प्रोग्रामिंग बनाए तो सबसे पहले पता चला कि दो नंबर इंटर करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल लिए। फिर जब डेटा इंटर किए फिर देखे हम लोग को सम करना है, तो फिर सी एक न्यू वेरिएबल आया, फिर हम लोग यहाँ पे सी का डिक्लेरेशन किए, फिर सी को आउटपुट किए। अब हम लोग इसको ड्राई रन से देखते हैं, मतलब स्टेप देखते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे ये रन करेगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया वॉइड मैन से, इसके अंदर आएगा, यहाँ पे तीन मेमोरी लेगा, एक ए, एक बी और एक सी। हर एक मेमोरी का
ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिक एड्रेस जनरेट करेगा, जो कि ये एड्रेस सिस्टम के लिए होगा और ये प्रोग्रामर के लिए होगा। मीन्स ए क्या होगा ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, एज्यूम किए कि -12, -14, -16 एड्रेस है। अब जैसे यहाँ पे प्रिंटएफ को रीड करेगा तो ये प्रीडिफाइन फंक्शन है, इसका कोडिंग हैश इंक्लूड stdio.h के अंदर किया हुआ है। ये हेडर फाइल है फॉर प्रिंटएफ के लिए, सिर्फ प्रिंटएफ के लिए नहीं है, इसके अंदर और भी फंक्शन है, लेकिन हम लोग उसमें से एक फंक्शन अभी प्रिंट एफ का यूज़ किए। डबल कोट्स में इंटर टू नंबर लिखे, ये मैसेज देगा स्क्रीन पे। हम लोग जैसे ही नंबर इंटर करेंगे, स्कैन एफ इनपुट फंक्शन %d% दो इंटीजर का यहाँ पे फॉर्मेट है, तो एड्रेस ऑफ ए में मतलब -12 में एज्यूम कीजिए 5 इंटर किए, और एड्रेस ऑफ बी में मतलब 16 में एड्रेस ऑफ बी में चला गया 6, इस तरह वैल्यू इंटर हुआ। ए प्लस बी का सम मीन्स 5 + 6 = 11, सी का वैल्यू 11 हुआ। अब प्रिंट एफ %d सी, सी को यहाँ पे आउटपुट कर रहा है, 11 आउटपुट हुआ। फिर गेट सी एच, स्क्रीन में रिजल्ट को होल्ड कराने के लिए गेट सी एच का कोडिंग conio.h के अंदर किया हुआ है, मतलब यहाँ पे गेट सी एच अगर देंगे तो रिजल्ट स्क्रीन में कुछ देर के लिए होल्ड करेगा। इसका आउटपुट आएगा 11, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सी दिए हैं। यहीं पे अगर हम लोग एड्रेस ऑफ सी देते, मतलब n% सी देते, तो -16 आउटपुट देता, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एड्रेस नहीं चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए, इसीलिए यहाँ पे n% ना दे करके हम लोग सिर्फ सी को दिए, सी को आउटपुट करवाए थे, 11 आया। कुछ इस तरह से इसका आउटपुट होगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में ये प्रोग्राम आया होगा स्टार्टिंग का। हम लोग अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर एंड प्रिंट मल्टीप्लिकेशन। तो हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h void main, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग ए और बी लेते हैं। हम लोग दो नंबर इंटर करा रहे हैं, इंटर टू नंबर स्कैन एफ %d% एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी में चला जाए, सी इक्वल टू ए इंटू बी प्रिंट एफ %d सी को आउटपुट किए, और फिर गेट सी एच, यहाँ पे न्यू वेरिएबल सी आया, कॉमा देके सी ले लिए सेमी कॉलम। ध्यान रखिएगा, इससे रीड कीजिएगा, इससे राइट कीजिएगा। तो रीड कर रहे हैं, प्रोग्राम रन करना स्टार्ट, वॉइड मैन से किया, फिर अंदर आएगा, यहाँ पे ए बी एंड सी तीन मेमोरी लिया, प्रिंट एफ मैसेज दिया इंटर टू नंबर स्क्रीन में, फिर हम लोग %d% एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी में दो नंबर चला गया, 3 और 6। आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं कीबोर्ड से, सी इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू 3, तो 18 कहाँ चला जाए, सी का वैल्यू कितना हो गया 18, प्रिंट है %d सी आउटपुट दिया 18, गेट सी एच के हेल्प से रिजल्ट को होल्ड किया, तो आउटपुट मेरा कितना आया यहाँ पे 18। देखिए हम यहाँ पे ड्राई रन कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपल है, इसको ड्राई रन क्या करें, लेकिन अभी से आदत डालिएगा, तभी आगे जाके प्रोग्राम जब बड़ा होगा तो आपको ड्राई रन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट स्क्वायर ऑफ डेट नंबर। स्क्वायर जैसे अगर 2 है तो 2 का आउटपुट 4 आए, मीन्स इसका स्क्वायर, तो इंटर ये नंबर, यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग ए लिए, स्कैन एफ %d n% ए में चला गया, एस इक्वल टू ए इंटू ए
प्रिंट एफ परसेंट डी एस को प्रिंट करवाए, फिर गेट सी एस, यहाँ पे न्यू वेरिएबल एस, एस को डिक्लेयर किए। ये प्रोग्राम यहाँ से रन करना स्टार्ट किया, अंदर आके एक ए और एक एस वेरिएबल लिए, इंटर ए नंबर, मान लीजिए यहाँ पे ए का वैल्यू 2 इंटर किए, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, एस में चला गया 4, प्रिंट एफ एस तो आउटपुट कितना आया 4, फिर गेट सी एच। अब एक क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई का वैल्यू 3.14 होता है और यहां पे आर का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो फिर उसको क्या कीबोर्ड से एंटर करना होगा। ये फ्लोटिंग पॉइंट में है तो वेरिएबल भी हम लोग को यहां पे फ्लोट लेना होगा, यहां पे फ्लोट में हम लोग पी इक्वल टू 3.14 इनिशलाइज कर देते हैं और आर एक वेरिएबल लेते हैं जो कि आर का वैल्यू इंटर करेगा कीबोर्ड से, मैसेज देते हैं स्क्रीन पे इंटर रेडियस स्कैन एफ परसेंट एफ फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं परसेंट एफ एन परसेंट आर में चला जाए, तो यहां पे एक आर वेरिएबल लिया, एक पी, पी का वैल्यू पहले से 3.14 इनिशियलाइज किया और आर का वैल्यू हम लोग कीबोर्ड से इंटर करेंगे। ए इक्वल टू पाई मीन्स पी, यहां पे आप 3.14 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पी इंटू आर का स्क्वायर, पिछले प्रोग्राम में देखे हम लोग ए का स्क्वायर, तो आर इंटू आर, फिर प्रिंट एफ परसेंट एफ ए का आउटपुट किए ए को, फिर यहाँ पे गेट सी एच, यहाँ पे ए एक वेरिएबल आया, यहाँ पे डिक्लेयर किए, तो ए हो गया इस तरह कुछ। प्रोग्राम रन करना वॉइड मेन से स्टार्ट किया, फ्लोटिंग टाइप का पी इक्वल टू 3.14 इनिशियलाइज किया, एक आर लिया और एक ए लिया वेरिएबल, स्क्रीन में मैसेज दे रहा है इंटर रेडियस, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं आर का वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग 2 दिए, तो यहाँ पे आर इंटू आर 4 इंटू पी 12.14 ए का वैल्यू हुआ, ए आउटपुट करेगा 12.14 गेट सी एच। इस तरह से आप एरिया ऑफ स्क्वायर बना सकते हैं।